अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 147। आज हम सीख रहे हैं हैबिट्स यानी आदतें। तो चलते हैं, देखते हैं क्या लेसन है आज। वागुम मस्ट डू योगा, इसके माने होते हैं आप योगा क्यों करते हो। आप योगा क्यों करते हो, इसे जब लोग किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? Why do you do yoga? आप योगा क्यों करते हो? आगे बढ़ते। We oft jogs too. इसके माने होते हैं आप कितनी दफ़ा जॉगिंग करते हो। आप कितनी दफ़ा जॉगिंग करते हो, इसे जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? हाउ ऑफन डू यू जॉग, आप कितनी दफ़ा जॉगिंग करते हो या सैर करते हो। आगे बढ़ते। हाउ डू यू से हाउ ऑफन, एक्सक्यूज मी, हाउ डू यू से हाउ ऑफन, हाउ ऑफन को आप कैसे कहते हैं? हाउ ऑफन के माने होते हैं कितनी दफ़ा या कितनी बार। तो हाउ ऑफन को आप जर्मन में क्या बोलोगे? Wie oft. आगे बढ़ते हैं। Möchtet ihr heute Yoga machen, Max und Lisa? Möchtet ihr heute Yoga machen, Max und Lisa? इसके माने होते हैं लीजा और मैक्स, क्या आप आज योगा करना पसंद करोगे? लीजा और मैक्स, क्या आज आप योगा करना पसंद करोगे? इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? वुड यू लाइक टू डू योगा टुडे मैक्स एंड लीजा। आगे बढ़ते। वस मैक्स टू अबेंस, वस मैक्स टू अबेंस, इसके माने होते हैं आप शाम में क्या करते हो। आप शाम में क्या करते हो, इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? What do you do in the evenings? आप शाम में क्या करते हो? Was Max do abends? आगे बढ़ते। How do you say in the evenings? In the evenings को आप कैसे कहते हैं? In the evenings के माने होते हैं शाम में। तो in the evenings को आप जर्मन में क्या बोलते हो? Abends. आगे बढ़ते हैं। Ich mache einmal pro Tag Sport. Ich mache einmal pro Tag Sport. इसके माने होते हैं मैं दिन में एक बार एक्सरसाइज करता हूँ। मैं दिन में एक बार एक्सरसाइज करता हूँ, इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? I exercise once per day. मैं दिन में एक बार एक्सरसाइज करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से वंस, वंस को आप कैसे कहते हैं? वंस के माने होते हैं एक बार, तो वंस को आप जर्मन में क्या बोलते हो? Einmal. आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं, आ आ के माने होता है एक, तो जर्मन में क्या बोलते हैं? पेरेंट्स के माने होते हैं वालदेन, तो जर्मन में क्या होता है? Eltern. नाउ, नाउ के माने होते हैं अब, तो जर्मन में क्या होता है? Jetzt. पर के माने होता है फी, तो जर्मन में क्या होगा? प्रो। वेदर के माने होता है मौसम, तो जर्मन में क्या बोला जाता है? वेटर। आगे बढ़ते। हाउ डू यू से पर को आप कैसे कहते हैं? पर के माने होते हैं फी, तो पर को आप जर्मन में क्या बोलेंगे? प्रो। आगे बढ़ते। पेयर मैच करते हैं, योर माने होता है तुम्हारा या आपका, तो जर्मन में होता है? सैटरडे हफ्ते का दिन होता है, तो जर्मन में क्या बोलेंगे? Samstag. Always के माने होते हैं हमेशा, तो जर्मन में क्या होता है? Immer. Plans कहते हैं मंसूबों को, तो जर्मन में क्या बोलेंगे? Pläne. Once के माने होते हैं एक बार, तो जर्मन में क्या होता है? Einmal. Wie oft machst du Sport? Wie oft machst du Sport? इसके माने होते हैं आप कितनी दफ़ा
एक्सरसाइज करते हो? आप कितनी दफ़ा या कितनी बार एक्सरसाइज करते हो? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज? आप कितनी दफ़ा एक्सरसाइज करते हो? Ich bin müde, ich will keinen Sport machen. Ich bin müde, ich will keinen Sport machen. इसके माने होते हैं मैं थका हुआ हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं करना चाहता हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टाइर्ड, आई डोंट वांट टू एक्सरसाइज। माइक नहीं चलेगा, आगे बढ़ते। तो ये तो आज का लेसन, अगले लेसन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।